आनंद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ तो हम लोग हम लोग क्या कर रहे थे अभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मुझे उम्मीद है आप लोग घर पे भी जाकर के अच्छे से करते होंगे अदर क्वेश्चन लेते होंगे प्रीवियस ईयर कहीं से या फिर कैसे भी उठा करके तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे भाई आपका एग्ज़ाम पास आ गया है बहुत ज़्यादा पास आ गया आप तो बिल्कुल आप पे टाइम नहीं है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है और देखो हाँ हम लोग तो यहाँ पे लेके आ ही रहे हैं उसके बाद अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा ठीक है तो खुद से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपका एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस क्लास चल रही है वैसे ही अगर आपकी जो है रीजनिंग की भी प्रैक्टिस क्लास चल रही है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जा करके चेकआउट करो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विक्रम

स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन मुझे उम्मीद है जो हमने प्रीवियस में अभी पढ़ा रखा था जितने भी क्वेश्चंस करा रखे थे वो सारे आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे बाकी आगे आप लोग देखिए क्वेश्चंस आपके आगे होंगे राइट right साइड में आप लोग देखो उसको ट्राई करो कोशिश करो सॉल्व करने का बिल्कुल चीज़ें हम लोग क्वेश्चन uh, जैसे प्रीवियस ईयर पैटर्न पर था वैसे ही हम लोग कुछ लेकर के आए हैं तो इसको ट्राई करो आप लोग करने का इस क्वेश्चन को ट्राई करो जो आपकी स्क्रीन पर आ रखा है देखो थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा कोल्ड वगैरह है तो थोड़ा मेरी भी तबीयत हल्की सी डाउन है तो थोड़ा आप लोग कॉपरेट करना बाकी अपना भी ख्याल रखो क्योंकि आपका एग्जाम पास है तो बिल्कुल आप लोग अपना ख्याल रखो तबीयत वबियत खराब मत होने दो ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो और फिर बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है बोला द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज थ्री ईयर मोर देन थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन थ्री ईयर हैंज फादर एज विल बी टेन ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ ऑफ द सन फादर की एज बताओ ठीक है फादर की एज बताओ मान लेते हैं मान लेते हैं क्या कि सन की एज क्या है मान लेते देखो फादर है ये और ये है आपका सन मान लेते हैं हम सन की एज क्या है एक्स ईयर सन की एज मान लिया हमने एक्सट ईयर अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है एकदम बिल्कुल वैसे ही करते जाओ क्या प्रेजेंट एज ऑफ फादर फादर इज थ्री ईयर मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ द एज ऑफ इज सन जो फादर की प्रेजेंट एज है सन के एज के प्रेजेंट एज के तीन गुने से तीन साल ज़्यादा है तो आप फादर की एज क्या कहोगे तीन गुने से तीन ज्यादा ठीक ये है प्रेजेंट एज फादर और सन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है थ्री ईयर है तीन साल बाद क्या है फादर एज विल बी टेन ईयर मोर देन ट्वाइस द दे एज ऑफ द सन तीन साल बाद फादर की एज क्या होगी तीन साल बाद फादर की एज क्या होगी तो थ्री एक्स प्लस थ्री प्रेजेंट एज है तीन साल बाद इसमें तीन और ऐड कर दोगे तो फादर की एज आपकी क्या हो जाएगी थ्री एक्स प्लस सिक्स ठीक है तीन साल बाद क्या कह रहा है फादर की एज जो होगी विल बी टेन ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन अब देखो तीन साल बाद जो है फादर की एज ये हो गई बट तीन साल बाद आपके सन की एज क्या होगी तो तीन साल बाद सन की एज क्या होगी एक्स प्लस थ्री ठीक है अब बोल रहा है सन के एज के ट्वाइस सन का एज का ट्वाइस से दस ज्यादा से दस ज्यादा से दस ज़्यादा मतलब प्लस टेन क्या होगा आपका फादर का एज होगा तो इसको इक्वेट कर दो ठीक है क्लियर हो गया ये चीज़ इतना भाई सन की डबल के एज तो डबल एज, का एज जो होगा वो तीन साल बाद ही होगा ना क्योंकि इधर भी फादर की एज तीन साल बाद ले रहा है तो सन की एज क्या हो जाएगी तीन साल बाद एक्स प्लस थ्री के डबल से दस ज़्यादा तो ये क्या है आपके फादर की एज है अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा थ्री एक्स टू एक्स इधर जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री टू जिक्स प्लस टेन सिक्सटीन माइनस सिक्स ये सिक्स इधर जाएगा तो आपका क्या जाएगा टेन एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी टेन अब आपसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है फादर की एज बताओ प्रेजेंट एज तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है थ्री एक्स प्लस थ्री ठीक है अब ये वैल्यू पुट कर दो एक्स की यहां पे तो बराबर क्या आएगा थर्टी थ्री थर्टी प्लस थ्री बराबर थर्टी थ्री आपकी क्या गई? आ गई फादर की प्रेजेंट एज आ गई क्लियर है इसको नोट डाउन कर लो इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं रब कर रही हूं रब कर रही हूँ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं देखो इसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन मैं अच्छा इस क्वेश्चन को क्या कर रही हूँ मैं लिख रही हूँ इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो ठीक है इसको मैं लिख दे रही हूँ क्वेश्चन क्या है देखो आपका रूट में बारह रूट में बारह माइनस रूट में एट मल्टीप्लाई कर रहा है किससे रूट में थ्री प्लस रूट में टू रूट में टू और डिवाइड दे रहा है किससे फाइव प्लस रूट में ट्वेंटी फोर और ये सब कुछ क्या है पूरा अंडर रूट में है ये पूरा आपकी वैल्यू अंडर रूट में है इसको सॉल्व इसको सॉल्व करके बताओ इसका क्या आ रहा है आपका सॉल्यूशन इसको सॉल्व करो सॉल्व करो जल्दी से बताओ मेरे को चलो मैं भी सॉल्व करती हूँ आप भी करो देखो ये ट्वेल्व है इसको क्या लिख सकते फोर इंटू थ्री इसको फोर इंटू थ्री बोलेंगे अब देखो चार जो है चार जो है अंडर रूट में है अगर तो उसको बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा तो अब बोलोगे क्या आ जाएगा टू रूट थ्री ठीक है टू रूट थ्री सिमिलरली एट फोर इंटू टू होता है तो चार को आप बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा टू रूट टू ये चीज़ क्लियर अब देखो ये क्या है आपका टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू इसको ऐसे ही रहने दो नीचे क्या है आपका फाइव प्लस फाइव प्लस अब देखो सिक्स इंटू फोर इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो फोर को फिर बाहर लिया आपने तो टू बाहर आ जाएगा और रूट में सिक्स अंदर रहेगा आपका और इसको जो है अंडर रूट में ले लो क्लियर अब देखो अब देखो क्या ये देखो टू और टू यहाँ पे कॉमन है दोनों में तो आप बाहर ले लोगे इसको यहीं पे बाहर ले लो आप टू और टू कॉमन है तो बाहर ले लोगे आप तो टू रूट थ्री माइनस रूट टू और रूट थ्री प्लस रूट टू तो ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया क्या हुआ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री रूट टू का स्क्वायर टू थ्री माइनस टू वन तो बराबर बचा क्या आपका टू और यहाँ पे आपका क्या है फाइव प्लस टू रूट सिक्स फाइव प्लस टू रूट सिक्स अब इसको ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो ये आपका क्या टू ए बी ये अंडर रूट में ए बी अगर लो तो ये क्या कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है टू रूट में ए बी ठीक है अब इसको देखो इसको सिक्स को आप क्या ब्रेक कर सकते हो सिक्स को आप क्या ब्रेक कर सकते हो टू इंटू थ्री में कर सकते हो ब्रेक अब देखो इसको ध्यान से इसको अगर हम लिख, मैं लिखूँ अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर तो क्या ये इक्वल आ रहा है देखो ये लिया टू रू इंटू थ्री टू इंटू थ्री तो रूट टू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर और प्लस टू रूट टू रूट थ्री ये इसको ऐसे लिख सकते हो ना तो ये टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर आपका पाँच आ जाएगा और प्लस टू इंटू अंडर रूट में टू इंटू थ्री हो जाएगा तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो ठीक है तो यही जो है इसी को इसी को क्या करा है हमने डायरेक्ट नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया रूट टू रूट टू प्लस रूट थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर कर दिया क्लियर ये होल स्क्वायर कर दिया अब आपको देखो यहाँ पे क्यूब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ स्क्वायर है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या, क्या लिख सकते हो इसको ये आप हटा दोगे स्क्वायर रूट आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू अब देखो इसको चाहे रूट थ्री प्लस रूट टू लिखो चाहे रूट टू प्लस रूट थ्री लिखो बात एक ही है हमारी लेकिन हमने क्या किया रूट थ्री पहले लिख दिया है क्यों क्योंकि नीचे जो है अगर हम ऊपर ले जाएंगे रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये माइनस होगा रैशनलाइजेशन में तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने इसको नीचे जो है अंडर रूट थ्री को पहले लिख दिया है अब इसको आप क्या लिख सकते हो रूट टू रैशनलाइजेशन करोगे तो माइनस कर दोगे ठीक है अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से फॉर्म बन जाएगा तो ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस बी का स्क्वायर रूट रूट टू का स्क्वायर वन आ जाएगा वन आ जाएगा आपका तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट ये लिख सकते हो ना डायरेक्ट रूट सिक्स माइनस टू रूट सिक्स माइनस टू ये आपका आंसर आ गया ये क्लियर इसको आप नोट डाउन करो फट से इसको आप नोट डाउन करो फट से चलो एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं इसको नोट कर लिया आपने नहीं समझ में आया एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आप लोग क्वेश्चन अगर मेरा लेक्चर देखोगे इसके पहले का प्रैक्टिस सेट जो मैंने करा रखा उसमें भी कराया है बाकी आप देखे तो आया हुआ है ये क्वेश्चन ठीक है अब बोल रहा है अगर दे रखा है आपको क्या क्वेश्चन रूट टू है क्यूब रूट थ्री है ठीक है, है और फाइव ये फोर ये है और दे रखा है थ्री है विच वन इज द ग्रेटेस्ट इसमें पूछ रहा है विच वन इज ग्रेटेस्ट विच वन इज ग्रेटेस्ट अब आप बताओ इसको कैसे करोगे ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के भी देख लो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है बिल्कुल बताओ इसको कैसे करोगे ये आपको दे रखा है इसमें से बड़ा कौन है बताओ आप जल्दी से देखो इसको ध्यान से देखो इनको ध्यान से देखो इसको आप क्या लिख सकते हो टू की पावर वन बाई टू भाई अंडर टू है तो इसको लिख सकते हो ना टू की पावर वन बाई टू इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो थ्री की पावर वन बाई थ्री ठीक है पांच को क्या लिख सकते हो फाइव की पावर वन बाई फोर और इस टू को क्या लिख सकते हो टू की पावर वन बाई थ्री अब देखो ये अपॉन के फॉर्म में वन बाई वन बाई वन बाई करके किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये जो अपॉन में सारे वो कट जाए ठीक है एक कंप्लीट फॉर्म बने तो देखो इन अगर जो नीचे नंबर है दो तीन चार तीन इनके अगर हम एल्शियम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है कंप्लीट बन जाएगा वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई थ्री नहीं रहेगा ये कंप्लीट बन जाएगा क्लियर तो इन सबों का एलसीएम क्या हो जाएगा बारह तो सब में क्या करोगे आप बारह से वो मल्टीप्लाई कर दोगे सब में सब में क्या करोगे बारह से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब ये दो से काटोगे छः बार में कट रहा है ये चार बार में कट रहा है ये तीन बार में कटेगा ये चार बार में कटेगा मतलब हुआ क्या आपका फाइनली ये हो गया आपका टू की पावर सिक्स ये हो गया आपका थ्री की पावर फोर ये हो गया आपका फाइव की पावर थ्री और ये हो गया आपका टू की पावर फोर ये इतना क्लियर अब पूछा है कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है इसमें से बड़ा कौन है बताओ अब अब कौन बड़ा आप तो बता दोगे ना देखो अभी टू की पावर सिक्स है टू की पावर फोर है ऑब्वियसली ये नहीं होगा इसको ऐसे ही हटा दो इन सब में देखना है फाइव का क्यों वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव थ्री की पावर फोर क्या हो जाएगा एट्टी वन और टू की पावर सिक्स सिक्सटी फोर टू की पावर सिक्स सिक्सटी फ़ोर अब बताओ आप इसमें कौन सा बड़ा नंबर है एक सौ पच्चीस बड़ा है एक सौ पच्चीस बड़ा है ना ये था किसका पांच क्यूब का पांच क्यूब का फिर आप ऊपर जाओगे था क्या तो आप बोलोगे ये क्लियर तो मतलब ये जो नंबर है आपका क्या है ग्रेटेस्ट है कौन ये नंबर जो है ग्रेटेस्ट है अब पूछे उसी तरीके से कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है था ये आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ये आ जाएगा आपका टू की पावर फोर वाला मतलब ये क्यूब रूट वाला टू क्यूब रूट वाला आपका क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर पे आएगा अगर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछे तो ये जस्ट क्लियर है कि इस तरीके के क्वेश्चन वो कैसे करते हैं देखो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में किसी अदर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं चलो मैं इसको रब करती हूँ इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान से दे, देखना करना छोड़ना नहीं छोड़ के मत जाना क्योंकि आ सकता है ये इस तरीके का चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहे क्या कह रहे है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूसड बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज़ इंक्रीज बाई थर्टी परसेंट द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट इज किस कोई आर्टिकल uh, है उसका प्राइस क्या होता है पच्चीस परसेंट से रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है लेकिन जो क्या होता है डेली सेल होती है वो बढ़ जाती है ठीक है और इसकी वजह से क्या होता है जो नेट इफ़ेक्ट आया है उसकी रिसिप्ट पर तो वो क्या आया है वो बताना है आपको बताओ देखो प्राइस क्या हुआ है क्या हुआ है प्राइस पच्चीस परसेंट से रिड्यूस हुई है प्राइस क्या हुई है पच्चीस परसेंट से रिड्यूस हुई है तो पच्चीस परसेंट की फ्रैक्शन वन बाई फोर तो मतलब प्राइस पहले क्या थी चार थी अब क्या हो गई है रिड्यूस हो गई तीन हो गई है ठीक है अब देखो सेल सेल क्या बोल रहा है तीस परसेंट से क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है सेल क्या हुआ है तीस परसेंट से इंक्रीज हुआ है तीस परसेंट की फ्रैक्शन थ्री बाई टेन तो मतलब दस से क्या हो गया है सेल तेरह हो गया है दस से क्या हुआ है तेरह हुआ अब देखो देखो एक चीज ध्यान से सुनो क्या मान लो मान लो आप दुकान पे जाते हो मैंगो खरीदने ठीक है तो मैंगो का प्राइस पहले चार था अब हो गया है तीन कम हो गया अब प्राइस तो आप क्या करोगे भाई कोई भी चीज़ होती है तो अगर सेल हो जाता है कम हो जाता है प्राइस तो हम सोचते हैं क्या और ज़्यादा खरीद ले तो सिमिलरली सेल उसकी जो है जब प्राइस कम करता है वो सेल उसकी क्या हुई है बढ़ गई है सेल बढ़ गई है तो अब वही क्वेश्चन ने पूछा है कि जो प्राइस कम किया सेल उस बढ़ा दिया तो उसका नेट इफेक्ट मतलब आया क्या उसको पहले क्या मिलता था अब क्या मतलब नेट इफ़ेक्ट क्या आया उसके रिसिप्ट पर तो देखो उसका जो नेट इफेक्ट क्या आप कैसे निकालोगे तो भाई उसका पहले उसको कितना मिलता था तो भाई सेल कितना था दस आइटम सेल किया था प्राइस क्या था एक का चार था और दस आइटम सेल किया तो उसने जो टोटल सेल कितने का किया चालीस रुपये का टोटल सेल किया उसने अब देखो बाद में क्या हुआ सेल तो मतलब तेरह की हुई लेकिन प्राइस क्या थी तीन थी एक आइटम की तो टोटल कितना आएगा थर्टी नाइन आ जाएगा टोटल कितना आएगा थर्टी नाइन पूछा नेट इफेक्ट तो भाई पहले चालीस रुपये उसको मिलता था अब उसको उनतालीस रुपये ही मिल रहा है एक का घाटा हो रहा है एक का घाटा हो रहा है किस पे हो रहा है चालीस पे हो रहा है अब एक का घाटा अगर बीस पे होता था तो पाँच परसेंट होता था तो एक का घाटा क्या हो रहा है चालीस पे हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा वन बाई टू हो रहा है ना तो पाँच परसेंट का भी हाफ हो जाएगा मतलब ढाई परसेंट यहाँ से क्या लिख दोगे डायरेक्ट ढाई परसेंट देखो ये कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे एक का घाटा है एक का घाटा फोर्टी पे फोर्टी पे है ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया टू टू से कट जाएगा फाइव बराबर आएगा क्या फाइव बाई टू इज इक्वल टू टू इज टू वन बाई टू परसेंट ये चीज़ क्लियर इसको नोट डाउन कर लो फट से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये सारे कंसेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपने देखा है प्रीवियस ईयर की बहुत सिंपल सा नहीं पूछ लिया है कि तुरंत बताओ प्राइस है घटा दिया उसको तो सेलिंग प्राइस बताओ ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए आपको कैसे क्या करना है ये चीज़ क्लियर इसको मैं रब करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा आप उसको ट्राई करो करने का ट्राई करो बताओ आंसर कितना आया नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है हाँ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपये सेवेंटी फाइव द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट एन लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस बाई ट्वेंटी परसेंट कोई आर्टिकल है उसका प्राइस दे रखा है पचहत्तर रुपए तो पहले उसका कॉस्ट क्या जा, किया जाता है बीस परसेंट से इंक्रीज किया जाता है और फिर क्या किया जाता है बीस परसेंट से डिक्रीज किया जाता है तो फिर पूछ रहा है कि कॉस्ट प्रेजेंट क्या है प्रेजेंट कॉस्ट क्या है पचहत्तर रुपये क्या था उसका कॉस्ट था कॉस्ट क्या था पचहत्तर रुपये ठीक है डायरेक्ट यहां से कर लो देखो पचहत्तर था पहले क्या किया गया इंक्रीज किया गया बीस परसेंट से पहले इंक्रीज है कि डिक्रीज है पहले इंक्रीज है तो पहले इंक्रीज किया गया ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट की फ्रैक्शन वन बाई फाइव है टोटल एक का इंक्रीमेंट है तो वो क्या जाएगा आपका सिक्स बाई फाइव ठीक है अब क्या किया गया है डिक्रीज़ किया गया फ़ाइव परसेंट से ही तो फाइव परसेंट से डिक्रीज आपका क्या आ जाएगा फोर बाई फाइव तो टोटल अमाउंट फिर बेचा मिला मतलब बचा कितना तो ये पाँच पाँच पच्चीस तीन पचहत्तर पच्चीस तीन पचहत्तर अब आपका चाहती है बारह छके अच्छा बहत्तर तो कितना आ गया आपका सेवेंटी टू रुपीज़ यहाँ से डायरेक्ट आ गया क्लियर ये कॉस्ट प्रजेंट कॉस्ट फिर आर्टिकल का क्या है आपका बहत्तर रुपये ये चीज़ ठीक है क्लियर है ये दिख रहा है ना आपको बहत्तर रुपये अब एक चीज़ और ध्यान से देखो एक चीज़ और ध्यान से सुनो क्या इसको करने का एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव मेथड में फार्मूला होता है क्या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड ये आपका क्या होता है परसेंटेज होता है परसेंटेज देखो क्वेश्चन में क्या बोला था पहले ट्वेंटी परसेंट तो ये एक्स की मान लो पहले पहले क्या हुआ ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज़ हुआ विद साइन लिखोगे यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड अब आप जब नीचे लिखोगे इसकी वैल्यू पुट करके तो विद साइन जैसे यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस ट्वेंटी फिर क्या हुआ, हुआ है डिक्रीमेंट हुआ ट्वेंटी परसेंट का तो डिक्रीमेंट मतलब माइनस ट्वेंटी ठीक है माइनस ट्वेंटी फिर प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वाई की वैल्यू क्या थी माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड और ये क्या है आपका परसेंटेज में है देखो डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो गया अब देखो ये प्लस ट्वेंटी है ये माइनस ट्वेंटी है तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या देखो टू इंटू टू फोर और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो बराबर माइनस फोर परसेंट माइनस क्या फोर परसेंट अब देखो ये माइनस आपका क्या शो कर रहा है ये माइनस शो कर रहा है कि लॉस है कि प्रॉफिट है तो यहाँ पे माइनस आया है तो मतलब ये लॉस होगा ठीक है अगर यहीं पर पॉजिटिव वैल्यू आपकी आती तो ये क्या होता प्रॉफिट होता तो मतलब यहाँ पे क्या है चार परसेंट का लॉस है चार परसेंट का लॉस है अब देखो पचहत्तर अमाउंट था चार परसेंट का लॉस टोटल ठीक है तो चार परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू वन बाई आ, वन बाई ट्वेंटी फाइव तो लॉस है तो ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव आपका आ गया पच्चीस दिए पचहत्तर और यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट बहत्तर रुपये आपका क्या बहत्तर रुपये यहाँ से भी क्लियर ये चीज़ समझ में आई ना या तो आप इसको इस तरीके से करो या तो आप इस तरीके से करो दोनों से सेम इक्वल वैल्यू आनी है हाँ देखो अगर अलग अलग आती है या फिर यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आती है तो भी आप जो है यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख कर के भी सॉल्व करोगे तो भी सेम आएगा यहाँ पे देखो ट्वेंटी ट्वेंटी सेम अगर वैल्यू आती है तो हम हमें इजी ये वाला क्यों हो जाता है यहाँ से हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है सेम वैल्यू पर कैंसिल आउट हो जाता है फिर प्लस एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो माइनस में ही आएगा हमेशा लॉस होता है जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसका स्क्वायर क्या होता है लॉस होता है हमेशा ठीक है उसके लिए उस टाइम पे उस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूले वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है बट आपको दोनों आना चाहिए लिख लो ये दोनों जल्दी से नोट डाउन करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सॉरी इसका जल्दी से नोट डाउन करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग चलो इसको मैं रब करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ गया होगा आप लोग ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्राई करो क्या बोल रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन इट्स लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज क्या है फिर क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना अगर हम किसी कोई आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है डबल कर दे रहा है सेलिंग प्राइस डबल कर दे रहे हैं तो जो उसका लॉस होता था पहले जो उसका पहले लॉस होता था वही अब उसका क्या हो रहा है उतना ही परसेंटेज क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ठीक है परसेंटेज सेम है देखो मानते हैं लेट कर ले रहे हैं क्या लेट वोट कॉस्ट प्राइस उसका क्या था सीपी क्या थी एक्स और सेलिंग प्राइस क्या थी वाई ठीक है अब देखो कह रहा है क्या अगर सेलिंग प्राइस डबल कर देते हैं तो पहले सेलिंग प्राइस क्या थी बाई थी और अब क्या कर रहे हैं सेलिंग प्राइस डबल कर दे रहे हैं बट कॉस्ट प्राइस अभी भी हमारा क्या है सेम है कॉस्ट प्राइस को कुछ नहीं करने को बोला है तो देखो देन इट्स लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इंटू इंटू इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज तो जितना ही पहले हमें लॉस हो रहा था तो पहले मान लो पहले हमें क्या हो रहा था लॉस हो रहा था लॉस हो रहा था तो लॉस हो, तो हो रहा था तो आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी ना भाई कॉस्ट प्राइस अगर मान लो तुम्हारा चार रुपए है और सेलिंग प्राइस तीन रुपये है तब जाके तो तुम्हें लॉस हो रहा है तो मतलब आपके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है तो क्या लॉस आपका क्या होगा तो बोलोगे आप एक्स माइनस वाई क्लियर ये अपॉन अब देखो अब आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है अब आपको सेकेंड उसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब आपकी सेलिंग प्राइस आपकी जो है ज्यादा होगी भाई जब इसको सेलिंग प्राइस को डबल कर दे रहा था तब जाके आपका प्रॉफिट हो रहा था पहले तो लॉस हो रहा था तो अब प्रॉफिट हो रहा है तो अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस क्या है टू वाई कॉस्ट प्राइस क्या है माइनस एक्स अब जाके क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट हो रहा है तो पहले जितना लॉस होता था जितना पहले लॉस होता था उतना ही अभी क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है ना पहले मान लो थर्टी परसेंट का लॉस हो रहा था तो अभी भी उसको क्या थर्टी परसेंट का ही लॉस लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है सॉरी सॉरी तो दोनों में अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो इक्वल है ये नंबर तो ये रेशियो क्या होगा वन इज टू वन का हो जाएगा ये रेशियो ये चीज क्लियर कैसे मैंने लिया ये वन इज टू वन ये क्लियर है ना अब यहां से क्या कह सकते हो आप एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट टू वाई माइनस एक्स ठीक है अब ये x इधर हो जाएगा क्या टू एक्स इज इक्वल टू व्री वाई तो आप यहाँ से x अपॉन वाई क्या आ गया तो आप बोलोगे थ्री बाई टू थ्री बाई टू ये आ गया अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि द लॉस परसेंटेज ऑन द आर्टिकल लॉस परसेंटेज क्या था आपकी x की वैल्यू तीन है y की वैल्यू तीन है दो है ठीक है मतलब कॉस्ट प्राइस आपका तीन है सेलिंग प्राइस दो है तो गैप कितने का लॉस परसेंटेज कितना है तो आप क्या बोलोगे वन का लॉस है कि, किस पे कॉस्ट प्राइस पे एक्स है ना तो वन का लॉस तीन पे तो परसेंटेज वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी वन बाई थ्री इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू थर्टी थ्री इज टू वन बाई थ्री परसेंट का आपका क्या है लॉस है ठीक है ये क्लियर भाई प्रॉफिट पूछे तो परसेंटेज तो सेम ही था तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा क्लियर है ये चीज इसको नोट डाउन कर लो फट से इसको नोट डाउन कर लो देखो अगर मान लो यहाँ पे प्रॉफिट पूछता कैसे सेम यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है टू वाई है तो अगर प्रॉफिट पूछता तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या रहता अभी भी तीन अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाता टू वाई है तो यहाँ पे टू इंटू टू फोर हो जाता फिर देखो डिफरेंस कितने का वन का किस पे थ्री पे तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता तब भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता थर्टी थ्री इज टू वन बाई थ्री परसेंट सेम है देखो ये चीज़ इतनी क्लियर इसको नोट डाउन करो फट से ये सारे कंसेप्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये प्रीवियस ईयर कहीं तो कहीं आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चंस मैं लगभग ले रही हूँ क्योंकि इसीलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स होने हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस चलो इसको मैं रब करती हूँ नेक्स्ट अब आप सॉल्व करो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फट से सॉल्व करो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट कोई आदमी है वो टेबल को दस परसेंट पे क्या कर रहा है प्रॉफिट पे बेच रहा है इफ यू द टेबल एट नाइन परसेंट लेस कॉस्ट अगर वो पांच परसेंट Uh, कम कॉस्ट पे ख़रीदा होता और अस्सी रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको क्या है बीस परसेंट का लाभ होता तो कॉस्ट प्राइस बताना है टेबल का आपको कॉस्ट प्राइस टेबल का बताना है तो देखो मान लो क्या कि टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है हंड्रेड रुपये है क्या है आपका हंड्रेड रुपये ठीक है ये कॉस्ट प्राइस है अब क्या करता है क्या करता है प्रॉफिट पे बेच रहा है दस परसेंट सौ का है दस परसेंट प्रॉफिट एक सौ दस पे बेचेगा ठीक है अब बोल रहा है क्या कि पाँच परसेंट लेस में अगर उसने खरीदा होता तो कॉस्ट प्राइस पाँच परसेंट लेस माइनस फाइव परसेंट तो आपका क्या होगा नाइन्टी फाइव ठीक है अगर खरीदा होता एंड सोल्ड रुपये एट्टी मोर तो ही वुड हैव गेन ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट गेंद किया होता तो ट्वेंटी भाई कॉस्ट प्राइस ये है तो ट्वेंटी परसेंट गेंद किया होता ठीक है तो आप क्या बोलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइनटी फाइव इंटू ट्वेंटी बराबर आपका आएगा क्या 114 क्या आएगा आपका 114 ठीक है मतलब पंचानवे रुपए का था और 20% परसेंट प्रॉफिट में बेचता तो किस पे बेचता 114 पे अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सोल्ड फॉर अस्सी एट्टी रुपये मोर अस्सी रुपये ज़्यादा बट यहाँ पे ज़्यादा एक्चुअली में है कितना तो 110 से 114 कितना ज़्यादा है तो चार रुपये ज्यादा है कितना ज़्यादा है चार ज़्यादा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये अस्सी रुपये ज़्यादा है क्वेश्चन में कितना दे रहा है आपको अस्सी रुपये ज़्यादा है तो कितने मल्टीपल में है कितने मल्टीपल में है ट्वेंटी के मल्टीपल में है अब आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस में आपका क्या होगा ट्वेंटी के मल्टीपल में हो जाएगा तो बराबर आपका कॉस्ट प्राइस आएगा क्या दो हजार रुपए टेबल की कॉस्ट प्राइस होगी आपकी क्लियर ये समझ आया? ये चीज क्लियर है इसको इसको नोट नोट डाउन डाउन कर लो फट से। इसको नोट करो फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसको मैं रब करती हूं नोट डाउन कर लिया ना आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया होगा आपको आपको सॉल्व करो देखो बैठे मत रहना और क्वेश्चंस को फटफ फट से सॉल्व करना आपको जैसे भी आ रहा है वैसे कोशिश करो सॉल्व करने की सॉल्व करो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं भी पढ़ू मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूं इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ट एंड द नंबर ऑफ हु फेल्ड वर इन द रेशियो ट्वेंटी फाइव इज टू फोर पास बोलना है और फेल बोलना है क्या है रेशियो ट्वेंटी फाइव इज टू फोर ठीक है अब क्या कह रहा इफ फाइव मोर हैड अपेयर अगर पाँच जो और है और अपेयर होते एग्जाम में देन द नंबर ऑफ फेल्योर वॉज टू लेस देन द अर्लियर तो जो नंबर ऑफ फेल्योर थे वो क्या होते दो कम होते ठीक है द रेशियो ऑफ पास पासर्स टू फेल वुड है बाइस इज टू थ्री तो रेशियो ऑफ पास और फेल का क्या हो जाता है ट्वेंटी टू एस टू थ्री ठीक है मानते हैं हम स्टार्टिंग में मान आ, ये क्या है आपका रेशियो क्या है पच्चीस एक्स है और फोर एक्स है ठीक है तो टोटल जो है स्टूडेंट्स कितने हो गए तो पच्चीस एक्स प्लस फोर एक्स क्या हो जाएगा ट्वेंटी नाइन एक्स ये क्या आ जाएंगे आपके टोटल ठीक है अब बोल रहा है अगर क्योंकि ये अब बोल रहा है कि अगर फाइव मोर है टोटल जो है नंबर ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ अपियड स्टूडेंट हैं टोटल अपेयर ठीक है अब बोला है अगर पाँच और अपेयर्ड हुए होते तो ट्वेंटी नाइन एक्स प्लस फाइव मतलब इसमें अगर पांच और अपेयर हुए होते तो क्या होता आपका एंड एंड द नंबर ऑफ फेल्योर वॉज टू लेस देन अर्यर एंड द नंबर ऑफ फेल्योर वॉज फेल्योर क्या था फोर एक्स लेस अपेयर टू लेस बोल रहा है तो दो कम कर दो अर्लियर देन द रेशियो ऑफ पास तो फिर क्या होता है आपका पास और फेल का रेशियो क्या हो जाता है बाईस इज टू थ्री क्या हो जाता है ट्वेंटी टू इज टू थ्री अब देखो ये आपका क्या है टोटल अपेयर्ड है तो टोटल अपेयर्ड यहाँ से पास प्लस फेल दोनों मिला कर के टोटल होंगे तो यहाँ पे ये यह चीज़ आपकी क्या जाएगी आप बोलोगे ट्वेंटी फाइव और यहाँ क्या है ये फेल वालों का नंबर है तो फेल वाले का रेशियो क्या जाएगा तीन यहाँ पे तीन दिया है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तीन दे तीन आ जाएगा अब यहाँ से क्या आप करोगे फाइंड आउट कर लो एक्स की वैल्यू तो नौ त्रिक सत्ताईस के तो हाथ में आए तो आ, हाथ में आ दो तो, तीन दो नीचे एटी सेवन एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स और प्लस फिफ्टी अब देखो ये सत्तासी है ये सौ है माइनस करोगे कितना आएगा तेरह एक्स इज इक्वल टू तेरह एक्स इज इक्वल टू ये क्या है पंद्रह ये सॉरी ये माइनस में है ना आपका हाँ ये माइनस में है मैं भी सोचूं नेगेटिव क्यों ये माइनस में है इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा सिक्सटी फाइव हाँ अब तेरह से कितनी बार में कट रहा है फाइव टाइम्स में कट रहा है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी पाँच अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा हो आप निकाल लोगे यहाँ पे क्या पूछा है टोटल नंबर हु अपेयरड एट द एग्जामिनेशन इज इनिशियली देखो इनिशियली जो है इनिशियली टोटल नंबर ऑफ अपेयर स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन मतलब इनिशियली जो है कितने अपेयर हुए थे एग्जामिनेशन में कितने अपेयर हुए थे एग्जामिनेशन में इनिशियली तो उनतीस एक्स तो आपको उनतीस इंटू फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टोटल अपेयर इनिशियली स्टार्टिंग में ठीक है पांच पांच हाथ में में 14, मतलब हुए हुए थे इनिशियली अब पूछे कि बढ़ाने के बाद कितने हुए? तो यहाँ पे एक सौ बाद में, तो यहां पे 145 में प्लस पांच ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे एक सौ पचास हो जाएंगे बाद में ये चीज क्लियर है देखो ये पास और फेल का है दे रखा है हमें और फिर हमने बोल इसमें क्या रहा है टोटल अपियर्ड में कितना ऐड किया है पांच तो ये रेशियो है इसीलिए हमने एक्स ले लिया और ये पांच एकदम एक संख्या दे रखी है तो इसीलिए उनतीस एक्स प्लस फाइव और फिर इनका रेशियो दे रखा है ये फिर फेलोअर में क्या किया

क्लियर है ये चीज नोट डाउन कर लो ये नोट डाउन कर लो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराती हूं इसको रब कर रही हूं मैं दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करो लाइक भी करते जाना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में ठीक है चलो दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करो फट से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अजार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो फोर इज टू वन ठीक है कोई जार है ए और बी रेशियो दे रखा है कितना फोर इज टू वन अब बोल क्या रहा है वेन टेन लीटर ऑफ द मिक्सचर वॉज टेकन आउट एंड टेन लीटर ऑफ लिक्विड बी वॉज पूर्ड इन टू द जार दिस रेशियो बिकम्स टू इस टू थ्री मतलब दस लीटर लिक्विड उसका मिक्सचर का पूरा लिया जा रहा है लेकिन दस लीटर अब क्या डाला जा रहा है लिक्विड बी डाला जा रहा है तब जाके जो रेशियो है क्या हो जा रहा है आपका टू इस टू थ्री हो जा रहा है तो आपका पूछा है इनिशियली जो है ए क्या था इनिशियली क्या ए था आपको ये बताना है ठीक है एक चीज़ ध्यान से देखो ये आपका मान लो बीकर है ठीक है बीकर है आपका इसमें जो है सोल्यूशन है ए प्लस बी का सोल्यूशन है किसका ए प्लस बी का ठीक है अब क्या किया इसमें से दस जो है क्या बोला है दस लीटर क्या किया इस सोल्यूशन का निकाल दिया है तो इस सल्यूशन का जब दस लीटर आपका निकाल दिया है और इसमें दे रखा है ए और बी का रेशियो क्या है आपका फोर टू वन है ठीक है तो आपका 10 लीटर सल्यूशन क्या किया है आपका निकाल लिया है तो इसमें 10 लीटर जब पहले क्या था मान लेते हैं हम पहले मान लो ये चार चार एक क्या था पाँच था और अब जो है पचास था ठीक है मान लेते हैं पचास था दस लीटर सल्यूशन निकाल लिया है. तो आपका क्या हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा फोर्टी आ जाएगा अब देखो दस लीटर सल्यूशन जब निकाला उसने तो उसमें क्या ए भी निकला होगा क्योंकि भाई ए और बी का सोल्यूशन है ना ए बी का मिक्सचर है तो उसमें ए भी निकला होगा और बी भी निकला होगा जैसे मान लो तुम्हारे घर में दूध आता है दूध है और पानी भी मिक्स है उसमें तो जब किसी एक बर्तन से तुम दूसरे बर्तन में अगर दूध को डालते हो तो तुम्हारा दूध और पानी कंबाइंड निकलता है भाई जितने रेशियो में दूध निकलता है उतना ही मतलब जो भी रेशियो सेम रहती है दूध और पानी आपका क्या कंबाइंड निकलता है ना वही चीज़ मैं कह रही हूँ ए भी इसमें निकलेगा और बी भी निकलेगा और जाकर के यहाँ रेशियो क्या यहाँ पे टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी फोर्टी बट इस क्वांटिटी में इस क्वांटिटी में अभी भी अभी भी क्या ए और बी का रेशियो चेंज हुआ है क्या अभी भी क्या ए और रेशियो ए और बी का रेशियो चेंज होगा क्या नहीं क्यों नहीं होगा कि भाई देखो दस लीटर निकाले हैं तो हम ए और बी दोनों ही निकाल रहे हैं रेशियो हमारा नहीं बदलेगा हमारी क्वांटिटी में भले तो परिवर्तन हो रखा है चेंज हो गया है बट हमारा रेशियो जितना था पहले अभी भी उतना ही रहेगा क्यों क्योंकि हम ए और बी दोनों साथ में निकाल रहे हैं हम कोई एक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम दोनों ही निकाल रहे हैं साथ में ये चीज़ इतना क्लियर हुआ यहाँ से इतना मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ए अभी हम निकाले हैं और बी भी निकाले हैं दस लीटर फिर जाके आपका जो फोर्टी लीटर हुआ लेकिन अभी भी उसमें क्या ए और बी का रेशियो सेम रहा होगा फोर इज टू वन ही रहा होगा ठीक है अब देखो अब क्या कह रहा है ए और बी है ठीक है यहाँ से आप टेन लीटर अगर निकाल लिए टेन लीटर टेन लीटर ऑफ मिक्सचर ये ध्यान से देखना मिक्सचर का निकाला है ये मिक्सचर का निकाला है तो अभी भी आपका क्या होगा ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा फोर इंस टू वन ही रहेगा चेंज नहीं होगा ठीक है ये चीज़ क्लियर अब देखो क्या कह रहा है दस लीटर ये तो निकाल लिया अब उसमें क्या कह रहा है कि उसने फिर दस लीटर क्या किया लिक्विड बी एड किया है ठीक है तो बी एड किया फिर जाके रेशियो क्या हो जाता है आपका टू इस टू थ्री होता है मैंने बताया था आपको कल परसों के क्वेश्चन में क्या कि देखो अगर मेल है और फीमेल है पांच मेल है पंद्रह फीमेल है तो आप मेल को सॉरी पाँच फीमेल है पंद्रह मेल है तो मेल को आप कितना भी बढ़ाओ कितना भी बढ़ाओ क्या फीमेल के नंबर पे कोई असर करे आ, कोई भी चेंज आएगा इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ना मेल को आप पंद्रह से बीस कर दो पच्चीस कर दो तीस कर दो फीमेल का जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगा ठीक है तो सिमिलरली जो हमारा ए का क्वान्टिटी था पहले चार मोल अभी भी वो क्या होगा चार मोल ही रहेगा क्यों क्योंकि हम बिल ऐड किए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है तो हमारा जो ए है वो पहले भी चार था और अब भी क्या होगा चार ही होगा तो चार बनाने के लिए हम इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियो सेम करने के लिए हम इससे भी इधर भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका याद आ जाएगा तो आप बोलोगे फोर इंस टू सिक्स आ जाएगा क्या आएगा फोर इंस टू सिक्स अब देखो बी जो है एक था पहले और छ हो जा रहा है मतलब हमने कितना ऐड किया उसमें बी कितना ऐड किया है तो आप बोलोगे पाँच हमने बी ऐड किया है ठीक है बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी को ऐड कितना कर रहा है दस तो पाँच जो है कितने मल्टीपल में है तो आप बोलोगे दो के मल्टीपल में है कितने के मल्टीपल में है दो के मल्टीपल में है तो बाकी सारी वैल्यूज भी आपकी क्या होंगी दो के मल्टीपल में होंगी अब पूछ रहा है इनिशियली बताओ ए का कितना ए कितन, कितना था इनिशियली तो क्या हो जाएगा सारी वैल्यूज दो के मल्टीपल में हो जाएंगी तो ये इसको भी मैम ने क्या किया दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ए क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट लीटर तो बताओ एट लीटर था क्या इनिशियली बताओ मैं सही कर रही आ, सही बात बोल रही हूँ कि नहीं या इनिशियली कितना था एट लीटर था मैं सही हूं कि नहीं बताओ जल्दी से आप लोग बताओ कि मैं सही हूं कि नहीं यहाँ पे एट लीटर था इनिशियली मिक्सचर में एक की क्वांटिटी क्या थी एट लीटर थी पहले इनिशियली फट से बताओ मैं सही हूं कि नहीं सही हूं ये आपका आंसर नहीं है इनिशियली एट लीटर नहीं था क्यों नहीं था ध्यान से सुनो ये ये तो ये आपका ये कब आया है ये आपका फोर टू वन ये कब आएगा ये जब हम दस लीटर मिक्सचर निकाल दे रहे हैं तो जो इनिश दस लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो एक ही क्वांटिटी होगी वो आपकी आठ रही होगी ठीक है अभी तो ये जो 10 लीटर मिक्सचर निकाला है हमने वो 10 मि लीटर मिक्सचर जो है ए और बी में ऐड करना पड़ेगा तब जाकर के हमें इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए अभी मिलेगी ना भाई 10 लीटर जो निकाला उसको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा तो देखो 10 लीटर है और रेशियो अभी भी क्या है फोर इज टू वन जैसे यहाँ पे था 10 लीटर तो ये निकला है जो ये निकला है जो ए और बी यहाँ पे ए और बी उसका भी रेशियो क्या होगा का ही होगा ये दस लीटर जो निकला है तो फोर इंस टू वन का होगा रेशियो टोटल दस है तो आप यहाँ से कह सकते हो पांच फोर प्लस वन फाइव फाइव की वैल्यू टेन है तो ये टू के मल्टीपल में है तो ये भी टू हो जाएगा और ये भी टू हो जाएगा तो बराबर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या यहाँ से एट आ जाएगी और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी टू uh, आ जाएगी ये चीज़ क्लियर तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एट आ जाएगी और ये आपकी बी की वैल्यू क्या जाएगी? 2 आ जाएगी टू आ जाएगी मतलब जब दस लीटर हमने निकाला था उसके पहले इनिशियली उसके पहले जो है आपका ए क्या था आठ है और बी क्या है आपका दो है ठीक है ये दस लीटर के अकॉर्डिंग आया है ठीक है ये चीज़ ध्यान देना कि ये दस लीटर निकाला था हमने उसकी वजह से आया है अब जो है और ये यहाँ पे क्या आया है दस लीटर निकालने के बाद आया है तो यहाँ पे जो हमारा निकला था एट लीटर उसमें स्टार्टिंग में जो हमारा एट लीटर ये था वो हम क्या करेंगे एड कर देंगे क्यों ऐड करेंगे क्योंकि ये आठ वो है जो हमने दस लीटर निकाला था मिक्सचर को यहाँ पे ये उसकी वैल्यू है अगर नहीं निकालते हम फिर से दस लीटर ऐड कर दे रहे हैं तो ये उसकी जाकर के वैल्यू है ये आठ ये हम ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो अब आपका आया क्या, एका? एका आपका क्या आपका एक, एक का एक का आपका क्या आ गया सोलह लीटर स्टार्टिंग में आपका ए कितना था ए का मिक्सचर में ए की क्वांटिटी कितनी थी तो आप बोलोगे सोलह लीटर ये ध्यान में रखना ठीक है ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको कहाँ से क्या आया ये आठ जो है आप दस लीटर जो निकाले थे भाई उस दस लीटर को मिक्सचर में ऐड करोगे ना क्योंकि इनिशियली क्वांटिटी पूछा था तब ये एट उसकी वैल्यू है ये चीज क्लियर हो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर के देख लेना आपको समझ में आ जाएगा सॉरी <coughs> ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है चलो मैं इसको रब कर रही हूं अब इससे देखो अगर ए की पूछे बी की भी पूछे तो आप यहां से क्या करोगे निकाल लोगे ठीक है बी का आप कैसे निकालोगे भाई यहां पे जैसे दो था यह चार था तो दो के मल्टीपल में तो ये क्या होगा दो के मल्टीपल में हो गए तो ये दो हो जाएगा और यहाँ पे जो निकाले थे वहां भी बी दो था तो दो प्लस दो बराबर चार बी का आ जाएगा आपका चार लीटर अब इसको मैं रब कर रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने आप लोग इसको ट्राई करो उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो करने का फटाफट ट्राई करो पेन कॉपी जल्दी जल्दी ट्राई करो आप लोगों को तो देखो सजा के लिखना भी नहीं है इसीलिए जल्दी 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 ट्राई करो बताओ क्या आ रहा आप लोगों का आंसर क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेट्रल ट्राइंगल इज गिवेन क्या फोर्टी नाइन रूट थ्री एरिया क्या दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या दे रखा आपको? 49 है आपको फोर्टी नाइन रूट थ्री इक्विलेटरल ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल ठीक है और क्या बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है एक उसका पेरीमीटर है किसके इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के मतलब कोई रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर जो है इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के क्या है इक्वल दे रखा है ठीक है और पैरीमीटर का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है क्या टू इस टू वन ठीक है हाँ अब क्या पूछा आपसे फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका एरिया आपको क्या करना है बताना है आयत का रेक्टे, रेक्टेंगल का जल्दी करो जल्दी करो आप लोग बताओ क्या आया क्या आएगा बताओ देखो मैंने बताया था क्या इक्विलेट्रल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला इक्विलेट्रल ट्रायंगल पहले किसको कहते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं ठीक है ए ए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर ठीक है अब इसका एरिया जो है क्या दे रखा आपको फोर्टी नाइन रूट थ्री दे रखा है ठीक है अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कट गया आपकी ए स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो क्या आएगी तो आप बोलोगे सेवन ये फोर है इधर चला जाएगा तो इन टू बराबर आपका क्या आ जाएगा फोर्टीन क्या आ जाएगा आपका फोर्टीन एक की वैल्यू एक की लेंथ आ जाएगी क्या फोर्टीन मीटर ठीक है अब देखो अब क्या कह रहा है कि ये जो ट्राइंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो ये जो रेक्टेंगल दे रखा है उसके पेरीमीटर की क्या इक्वल है ये दोनों पेरीमीटर्स आपस में क्या है इक्वल है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा एक साइड है फोर्टीन तो पेरीमीटर फोर्टीन इंटू थ्री इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है टू ये टू लेंथ है और ये ब्रेथ है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है टू ऑफ एल प्लस बी टू ऑफ एल प्लस बी होता है तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो तो पे इसको x लिया two x plus one, plus x. तो बराबर आपका आएगा क्या थ्री एक्स इसको मैं लिख देती हूं टू एक्स प्लस थ्री एक्स ठीक है यहां से मैंने लिखा है इसको अब ये कट जाएगा फिर क्या आएगा आपका इक्कीस इज इक्वल टू तो सॉरी यहाँ पे ये वन है ना तो यहाँ पे x ही आएगा थ्री एक्स इक्कीस इज इक्वल टू क्या थ्री एक्स तो आपका एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेवन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सेवन तो आपकी यहाँ से लेंथ क्या आ गई जो रेक्टेंगल uh, है रेक्टेंगल है रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या आ गई तो आप बोलोगे टू इंटू सेवन क्योंकि यह था क्या टू एक्स और ये एक्स था तो लेंथ आपकी क्या आ गई टू टू इंटू सेवन बराबर फोर्टीन फिर आपकी ब्रेथ क्या आ गई ब्रेथ क्या आ गई तो एक्स है तो बराबर सेवन ये आपकी क्या आ गई लेंथ uh, और ब्रेथ आ गई किसकी रेक्टेंगल की आयत की अब क्या पूछ रहे हैं आपसे इस रेक्टेंगल का क्या एरिया बताओ रेक्टेंगल का एरिया तो क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो बराबर फोर्टीन इंटू सेवन कर दोगे आ जाएगा आपका क्या आंसर आ जाएगा क्या जाएगा आपका मीटर स्क्वायर क्लियर है ये इसको नोट डाउन करो फट से देखो इस टाइप का तो क्वेश्चन आपका आया था प्रीवियस ईयर में इसलिए मैंने इसको उठाया है ये चीज इतना क्लियर है नहीं कहां से आई कैसे आई इसको नोट डाउन करो फट से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं चलो इसको मैं रब करूं इसको मैं रब करती हूँ देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको फार्मूला पता होना चाहिए फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो थोड़ा कैलकुलेशन है बस वो तो बाकी कर सकते हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया होगा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जैसे पूछा था आपका बस डिजिट चेंज है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जैसे पूछा था बस डिजिट चेंज है उसको ट्राई करो करने का उसको ट्राई करो करने का कैसे करोगे आप लोग क्या कह रहा है तीन परसेंट दे रखे एबीसी अब बोला है क्या कि स्पेंड कर देते हैं अपना खर्च कर देते हैं कितना सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एंड एटी परसेंट ऑफ देयर सैलरीज ठीक है रिस्पेक्टिवली जो है सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट और एटी परसेंट क्या करते हैं वो खर्च कर देते हैं और द सम ऑफ देयर सैलरी उनकी सैलरी का सम दे रखा है और सेविंग दे रखी है रेशियो ठीक है सेविंग का रेशियो दे रखा है तो पूछ रहा है आपका क्या ए बी सी का रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है क्या उनकी सैलरी कितनी है ए बी सी की बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पहले क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में आ रखा था मैंने करा रखा है आपको वैसे ही तो एकदम बस डेटा चेंज है बाकी चीज़ें वही है आप इसको जल्दी से इस क्वेश्चन को तो आप करके बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से करो आप लोग जैसे मैंने बताया था आपको वैसे करो इसका मैंने दो मेथड आपको बताया था एक हंड्रेड मान के बताया था और बाकी एक को आप, आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पे बताया था तो आपको जिस जिस पे भी आप सूटेबल हो जो आपको इजी लगता है आप उसको ट्राई करो बाकी मैं सजेस्ट करूँगी अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूँगी आप कि फ्रैक्शन वैल्यू पे करो आप ज़्यादा ईजी रहेगा ठीक है मैं अभी फ्रैक्शन वैल्यू पे ही फिलहाल आपको बताऊंगी अगर आपको हंड्रेड वाले पे देखना है तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाके देख लेना आपको उसमें मिल जाएगा मैंने करा रखा है इस तरीके का क्वेश्चन ठीक है चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्या है ए बी सी ए बी सी ठीक है स्पेंड कर दे रहा है उसका एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर कर रहा है कितना सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट टी परसेंट ठीक है और बोल रहा है क्या उनका आ, उनकी सैलरी का सम दे रखा है सैलरी टोटल सम दे रखा है कि किसका ए प्लस बी प्लस सी का कितना दे रखा है आपको वन सिक्स फाइव ट्रिपल ज़ीरो आपको सम दे रखा है तो पूछ रहा है क्या और अच्छा एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो दे रखा है सेविंग का रेशियो है ए इस टू बी इस टू सी का क्या क्या दे रखा है फोर इस टू नाइन इस टू थ्री ठीक है अब ए बी सी तीनों की आपको क्या फाइंड आउट करनी है सैलरी क्या है आपको यही फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में ठीक है देखो मैंने क्या बताया था आपको मैंने आपको क्या बताया था ये सब आपको एक्सपेंडिचर क्या है क्या नहीं ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है आप डायरेक्ट क्या करो सेविंग देखो एक्सपेंडिचर सिक्सटी है तो अंडरस्टूड है क्या सेविंग क्या होगी आपकी फोर्टी परसेंट होगी क्या होगी आपकी फोर्टी परसेंट सिमिलरली बी की सेविंग क्या होगी थर्टी परसेंट होगी आपके सी की सेविंग क्या होगी तो आप बोलोगे ट्वेंटी परसेंट होगी ये चीज क्लियर कि सेविंग क्या होगी अब आप यहां से डायरेक्ट क्या कह सकते हो इसको आप ये इसको रहने दो ये मैंने डेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखा है यहां से देखो आपके फोर्टी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है टू बाई फाइव थर्टी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू थ्री बाई टेन ट्वेंटी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू वन बाई फाइव क्या होती है वन बाई फाइव अब देखो क्या नीचे जो था नीचे ये मैं क्या कहती थी ये टोटल वैल्यू होती थी तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है ए की तो टोटल वैल्यू ऑफ ए की और ए का क्या सैलरी सैलरी ऑफ ए ठीक है टोटल वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ ए सिमिलरली ये क्या होगा टेन टोटल वैल्यू सैलरी ऑफ बी हो जाएगा ये फाइव क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ सी हो जाएगा ये ये क्लियर अब देखो पाँच का दो हिस्सा क्या कर रहा है वो बचा रहा है सेव कर रहा है तो पाँच का दो हिस्सा सेव कर रहा है बट क्वेश्चन में सेव कितना कर रहा है चार कर रहा है कितना कर रहा है चार कितने के मल्टीपल में दो तो जो इसकी सैलरी होगी फाइव वो भी क्या होगी आपकी टू के मल्टीपल में होगी तो बराबर आपकी सैलरी ऑफ ए क्या आएगी टेन आएगी अब देखो नेक्स्ट सैलरी बी की क्या थी दस थी उसका तीन हिस्सा क्या करता वो सेव कर लेता बचत कर लेता बट इन क्वेश्चन क्या गिवन है सेल सेविंग क्या है nine है बी की थ्री हो के ना नाइन क्या है नाइन है तो ये थ्री के मल्टीपल में? में है तो आपकी जो सैलरी होगी बी की वो भी क्या होगी तीन के मल्टीपल में आ जाएगी तो आपकी बी की सैलरी क्या आ जाएगी थर्टी क्या आ जाएगी थर्टी अब देखो सी की बात सी की टोटल सैलरी क्या थी पांच एक हिस्सा उसका क्या करता था बचत करता था क्वेश्चन में क्या दे रहा है तीन दे रहा बचत मतलब एक की वैल्यू क्या है तीन तीन के मल्टीपल में है तो हमारा जो आ, सेविंग सॉरी टोटल ये जो सैलरी है सी का वो क्या होगा तीन के मल्टीपल में है तो सी की सैलरी यहाँ से क्या आ जाएगी फिफ्टीन क्या आएगी फिफ्टीन अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आप सैलरी ऐड कर दोगे तो तीस प्लस दस चालीस प्लस पंद्रह क्या आ जाएगा आपका पचपन क्या जाएगा पचपन इस पचपन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गेवेंड है वन सिक्स फाइव ट्रिपल जीरो क्या गेवेंड है आपको वन सिक्स फाइव ट्रिपल जीरो ठीक है अब बताओ आओ कि ये कितने के मल्टीपल में है ये कितने के मल्टीपल में है पे पंद्रह पंद्रह पंद्र, एक सोलह तो आप बोलोगे थ्री थाउजेंड के मल्टीपल में है ये ये थ्री थाउजेंड के मल्टीपल में है अब तो आपसे जो भी पूछ रहा है सैलरी ऑफ ए वो भी क्या होगा यहाँ पे दस <वैल्यूण> था सैलरी ऑफ बी क्या था यहाँ पे तीस था सैलरी ऑफ सी यहाँ पे क्या है पंद्रह है ये सारी वैल्यूज़ भी क्या होंगी आपके थ्री थाउजेंड के मल्टीपल में होंगी ये सारी वैल्यूज़ भी क्या होंगी आपके थ्री थाउजेंड के मल्टीपल में होंगी तो आपका आ गया ये थर्टी आ गया ये आपका क्या हो जाएगा नाइन्टी आ गया और ये सी की आपकी क्या हो जाएगी फोर्टी फाइव आ गई तीनों की आपकी सैलरी आ गई ए बी सी की आपकी सैलरी आ गई ना कैसे आई ये क्लियर हुआ आपको ये देखो इस तरीके का बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए मैंने फिर से उठा दिया इसको क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग को मे बी डाउट था डाउट हो सके या डाउट हो जो भी अब आपको समझ में आया ये चीज़ कहाँ से क्लियर है क्लियर है ये सारी चीज़ें ना देखो ये ये लिखा है फिफ्टीन इंटू थ्री थाउजेंड इज इक्वल टू फोर्टी फाइव थाउजेंड ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं भी दिख रहा तो कैलकुलेट कर लेना आप लोग कि कैसे निकला है इसको मैं रब करूं खैर अभी जो है आज का लेक्चर अब यहीं पर एंड करती हूं ठीक है थोड़ा आज डाउन है मेरी भी तबीयत तो आज का लेक्चर अब यहीं पर एंड करती हूँ मुझे उम्मीद है आज जितना क्वेश्चन कराया होगा मैंने वो चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट बाकी जो नहीं समझ में आया होगा वो फिर से पूछना फिर से देखना वैसे आप लोग को समझ में आ जाएगा ठीक है क्या भी बोला गया है क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है की हूँ तो अगर आप फिर से देखोगे इस लेक्चर को तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है ठीक है बाकी देखो ये बेसिक का लेक्चर तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊं ऐसे भी मैंने बताने की पूरी कोशिश की है तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ जाएगा ये आज का लेक्चर को आप यहीं पर एंड करते हैं और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकॉन दबा लो जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें और आप लोग फर्स्ट वेवर हो सको और बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और अगर हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करो चलो अब अपना भी ख्याल रखो सर्दी जुकाम सबसे बच के रहो क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम होना है बाकी फिर कल मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन और ट्राई करेंगे अभी के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर